लगभग 2 से 2.5 घंटे फ्लाइट डिले हुई, लेकिन सीधे क्योंकि आप सबसे मिलने का आज का कार्यक्रम था, तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय कृष्ण अलवारू जी हमारे बीच में है, और भारतीय युवक कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई विपेंद्र जी, बहन मंजू तोंगर जी, मैं हम सब की ओर से सभी छायाकार साथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय युवक कांग्रेस की ओर से कर रहा है। पिछले 45 दिनों में लगभग 60 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं, शहादत पा चुके हैं। उन किसानों के मांगों के समर्थन में और उन शहीदों के सम्मान में हम सारे देश भर एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। देश भर से शहीदों के सम्मान में और किसान के समर्थन में इस देश की मिट्टी इकट्ठा कर हम दिल्ली में एक कार्यक्रम करेंगे, और उसके बाद जिस सरकार जब तक किसान की आवाज़ नहीं पहुंच रही, जब सिर्फ कंपनियों की आवाज़ पहुंचती है, उनको जगाने का काम करेंगे, उनके कान खोलने का काम करेंगे, उनके दिल और दिमाग खोलने का काम करेंगे। आगे श्रीनिवास जी आंदोलन चलेगा, ठीक है, लगातार दिल्ली में आंदोलन देख रहे हैं, अपने ही राजधानी देश का आंदोलन उसने तक नहीं किया, और 70 लोग जो शहादत को सरकार बताया कि ये भारतीय युवा कांग्रेस एक शहीदों के नाम कार्यक्रम हमने लागू किया है। पूरा जिला जिला से पूरा देश भर हमने लेके आएंगे, और जो शहीद हुआ है उनके गांव का भी हमने मिट्टी लाएंगे लेके आके, जो ये सरकार लेके करेंगे हमने सरकार को जगाने का काम करेंगे, और साथ साथ में इसमें जो भारत का नक्शा बनाएंगे, किस राज्य का जो मुख्य आयुक्ति मिट्टी से उस राज्य का मुख्य सजाएंगे, और बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी को मिट्टी देने का काम करेंगे। इस तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं, जो देश का अनादर हो रहा है, सरकार को शर्म आना चाहिए। अभी तक एक बार उनका दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग का समय के पास समय है, बंगाल में गली गली में घूमने के लिए और तेलंगाना में गली में गली गली में घूमने के लिए, बट उनके नाक के नीचे इतने बड़ी लेवल पे लोग बैठे हैं, जो इस देश का अन्नदाता बैठा था। सबसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कोई आंदोलन चल रहा है, यही आंदोलन है। उस आंदोलन को उधर रहते रहते भी अभी तक इनके कान पे सुना नहीं है, ऐसे इस तरीके से एक सवाल राजस्थान में युवाओं के लिए किस तरह की तरजी की बात है, इस तरह की सरकार की बात सरकार तक आवाज पहुँचा रही है कि आदरणीय हमारा पूर्व चांदना के मंत्री बनाए, हमेशा कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा युवाओं को मौका मिलता है, वो हमेशा मैं एक उदाहरण, मैं गरीब साधारण परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं, मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को भी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा युवा कांग्रेस है, आदरणीय